गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टार्ट द 2.6। ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज है सेकंड चैप्टर की। इसमें दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। कुछ इक्वेशंस है जिनको हमें सॉल्व करना है। अब ये सॉल्व कैसे करना मैं बताती हूँ आपको। 8x-3/3x=2। यहाँ पर मैंने आपको बताया था अगर कोई वैल्यू हमारी डिवीजन में रहती है तो इक्वल टू के आर एच एस साइड में जाती है, क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो वही हमको करना है। हमारा स्टार्ट होगा 8x-3=3x(2), 3x मल्टीप्लाई में चला गया 2 के। अब क्या हो जाएगा, 8x-3=3x(2), 6x हो जाएगा। अब यहाँ 6x जो है ये भी वेरिएबल में है और ये भी 8x भी हमारा x के साथ है, तो हम इन दोनों को साथ में लिख लेंगे। ये -6x हो जाएगा यहाँ पे a, और ये -3 था, ये यहाँ इक्वल टू में उस साइड जाके प्लस का हो जाएगा। अब 8x और 6x कितना हो जाएगा, 2x=3, और x के साथ ये हमारा 2 मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ जाके इक्वल टू की साइड जाके क्या हो जाएगा, ये हमारा अपॉन में मतलब डिवीजन में चला जाएगा, ये हो जाएगा 3/2। तो हमारा x=3/2, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन का आंसर है। ओके, नेक्स्ट हमारा है 9x/7-6x=15। इसमें भी यही करना है हमको, जो हमारा अपॉन में वैल्यू है वह हमें क्रॉस मल्टीप्लाई एक्चुअली करना पड़ता है इसका इससे। अब यहाँ कुछ नहीं होता है तो हमारा अपॉन में 1 होता है। यहाँ पे भी वही है, कहीं का 2 अकेला है, अपॉन में 1 होता है, लेकिन हम यहाँ पे लिखते नहीं हैं, ये अज्यूम किया जाता है, इसलिए हमारी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 15 का मल्टीप्लाई इससे और 1 का मल्टीप्लाई 9x से, तो 1 का मल्टीप्लाई अगर हम किसी से भी करते हैं तो वही डिजिट आ जाती है, इसलिए हम अलग से लिखते नहीं हैं, करके ही दिखाते हैं। अब 9x एज इट इज़ लिख लीजिए, 15 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 7-6x। ओके, 7-6x लिखेंगे हम यहाँ पे। 9x=15 का मल्टीप्लाई 7 से और 15 का मल्टीप्लाई 6x है। 15 7 105 -15 6 90। ओके, अब यहाँ देखेंगे आप 9x और 90x जो है वो माइनस का है, तो यहाँ आपके प्लस का 90x हो जाएगा =105। ओके, अब 9x और 90x कितना हो जाएगा हमारा, 99x =105। x क्या हो जाएगा, 105/99। हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं, 3 से हमारा रिड्यूस हो जाएगा, 3 3 9 3 3 9 3 3 9 10, में से 9 अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1 बचता है, जो ये 15 बन जाएगा यहाँ पे, 3 5 15। ओके, अभी ये हमारा x=, और यहाँ पे देखेंगे आप यहाँ 35/33 आ रहा है, तो ये हमारा रिड्यूस नहीं होगा अभी, तो हमारा x=2 क्या हो जाएगा, 35/33। ये हमारी x की वैल्यू आ रही है। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट थर्ड वाला क्वेश्चन है, उसमें लिखा हुआ है z/z+15=4/9। अब 9 का मल्टीप्लाई इससे और 4 का मल्टीप्लाई इससे, इस तरह से हो जाएगा। ये आपको नहीं करना है, मैंने आपको समझाने के लिए किया हुआ है ये इस तरह से। तो z/9=4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा z+15 से, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा आपका 9z=4 का मल्टीप्लाई जेड से, 4z+4 का मल्टीप्लाई 15 से हो जाएगा, तो 15 4 होता है हमारा 16। अब 9z 4z हमारा जो प्लस में था यहाँ जाके माइनस का हो जाएगा और =16। 9-4 5z प्लस का, क्योंकि डिजिट जो हमारी बड़ी डिजिट है वो प्लस की है, इसलिए हम यहाँ पे साइन प्लस का ही लगाएंगे, भले ही यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो रहा हो फिर भी, ठीक है।
यहाँ पे 60 लिखेंगे, जेड इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 60 अपॉन 5, 5 1 5 5 2 10, जेड इक्वल्स टू हमारा आ गया 12। ये हमारा थर्ड इक्वेशन का आंसर आ गया है। ठीक है, यहाँ थर्ड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे हम, ये सब सेम है फिर भी मैं कर दे रही हूँ आपको यहाँ पे। अब आप जो हमने थर्ड वाला क्वेश्चन किया था वैसा ही करना है, इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे। ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, इसको हम पहले भी कर चुके हैं। तो 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3y+4 इक्वल्स टू -2 2 -6y। ओके, तो अब क्या आ जाएगा, 5 3 जा हमारा 15y+5 4 जा 20 इक्वल्स टू मैं 2 2 जा 4, बट माइनस का, क्योंकि माइनस का भी मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे माइनस माइनस हमारा आ जाएगा प्लस, 2 6 जा 12y। ओके, अभी 15y और ये 12y है, तो हम यहाँ ले आएंगे तो माइनस का 12y आ जाएगा। यहाँ पे -4 और यहाँ पे माइनस का 20। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे 15 -12 3y, ये माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का ही आएगा, क्योंकि प्लस माइनस हो रहा है। जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, पर यहाँ पे हमारा माइनस माइनस प्लस होगा। हम प्लस करेंगे, 20 + 4 करेंगे तो 24 आ जाएगा, पर साइन हमारा माइनस का ही आएगा, क्योंकि यहाँ डिजिट हम देखेंगे 20 और 4 दोनों में ही माइनस का साइन लगा हुआ है, तो यहाँ आ जाएगा 24। वाई इक्वल्स टू माइनस का 24 अपॉन 3, हम यहाँ पे रिड्यूस कर सकते हैं, 3 की टेबल में आता है माइनस 24, तो हमारा आ जाएगा 3 8 जा 24। तो वाई की वैल्यू हमारी -8, ये हमारा आंसर यहाँ पे आ गया है। फिफ्थ वाला देखेंगे, फिफ्थ में भी वही करना है, 7y+4 अपॉन y+2 = -4 अपॉन 3। अब 3 का मल्टीप्लाई 7y+4 से और y+2 का मल्टीप्लाई -4 से, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 7y+4 = -4y+2, 7 3 7 21y+3 4 12, -4 का मल्टीप्लाई करेंगे y के साथ तो -4y, और -4 का मल्टीप्लाई करेंगे +2 के साथ तो माइनस प्लस होता है -4 2 जा हो जाएगा 8। अब 21y, -4 था यहाँ पे आके +4y हो जाएगा, यहाँ पे -8 +12 था यहाँ पे माइनस का 12 आ जाएगा। 21 और 4 कितना आ जाएगा हमारा, 25y, 8 माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, साइन माइनस का ही आएगा, दोनों डिजिट के आगे माइनस लगा हुआ है, 12 और 8 हो जाता है हमारा 20। यहाँ वाई इक्वल्स टू -20 अपॉन 25, ये दोनों डिजिट हमारे 5 के टेबल में आते हैं, तो हम 5 से रिड्यूस करेंगे, 5 4 जा 20 5 5 जा 25, वाई की वैल्यू हमारी -4 अपॉन 5, यही हमारा आंसर है।